बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि प्लाजो को किस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप प्लाजो को कितने तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो एक डिफरेंट वे में। तो सबसे पहला एक प्लाजो मैं दिखा रही हूँ, उसमें कट स्लीट है। आप चाहो तो कट स्लीट वाला आप ना भी लो, नॉर्मल तरीके का भी प्लाजो आप ले सकते हो जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ये प्लाजो मैंने सीन से लिया है, तो कुछ इस टाइप का प्लाजो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। इस तरीके का अगर आपके पास प्लाजो है तो आप किसी भी क्रॉप टॉप के साथ आप इसे पेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है और इंडो वेस्टर्न लुक देता है। अगर आप इसमें चाहते हो इसमें श्रग ऐड करना जो एक इंडियन वेयर का भी एक लुक दे देता है, तो कुछ इस तरीके से आप श्रग भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखा एक आउटफिट में थोड़ा सा इनोवेशन करके एक श्रग डाल करके इस लुक को आप चार चांद लगा दिए जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। नेक्स्ट, अभी सूट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है सामने से कट स्लीट वाला और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का भी आप सूट आप ट्राई कर सकते हो। और ये सूट मैंने मीशो से मैंने परचेज किया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, बहुत ही ट्रेंडिंग अभी चल रहा है इंडियन वेयर में, बहुत ही परफेक्ट लुक देता है। तो आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास नी लेंथ का आपके पास प्लाजो डेफिनेटली होना चाहिए, कुछ इस टाइप का प्लाजो शॉर्ट। अभी शॉर्ट प्लाजो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चली है, शॉर्ट प्लाजो और उसके साथ आप इस तरीके का क्रॉप टॉप अगर आप पेयर करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप कैजुअल वेयर या तो इन शूट जा रहा है या तो फिर कहीं घूमने जा रही है तो बहुत ही परफेक्ट लुक देता है। आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा और इन्वेशन करना चाहती हैं तो इसमें आप कुर्ती डाल सकते हैं जो बहुत लो कुर्ती डाल के बहुत ही स्टाइलिश लगता है। नॉर्मल जो आप लोग सूट पहनते हो अगर प्लाजो के साथ इस तरीके का शॉर्ट कुर्ती आप पेयर करते हो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देता है। आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको कुछ इस तरीके का फ्रॉक और प्लाजो लेना है और इसे पेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देता है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारी वेबसाइट पर मैंने इस तरीके के कपड़े देखे, आप देख सकते हो ये कितना सुंदर परफेक्ट लुक दे रहा है। तो उसका थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, उससे एक डिजाइन आइडियाज ले सकते हैं। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप कलर पैटर्न सभी चीजें मैचिंग करके अगर इस तरीके के कपड़े आप ट्राई करते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, तो आप किसी भी फेस्टिव सीजन या तो फिर वेडिंग में जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा कपड़ा है तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अभी क्रॉप टॉप और उसके साथ लॉन्ग प्लाजो और दुपट्टा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग अभी चल रहा है और ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही यूनिक लुक दे रहा है। और ये कपड़े अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो या कहीं आसपास है तो 5000 से ही स्टार्टिंग है इस तरीके का ड्रेस, जो सभी लड़कियां पे नहीं कर सकती। 5000 या 10000 के कपड़े खरीदना हमारे बजट की तो नहीं है, बट हाँ उसे कॉपी करके एक लुक जरूर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर्स में। तो ऐसे लुक के लिए आपको चाहिए होगा एक क्रॉप टॉप, उसके लॉन्ग प्लाजो चाहिए होगा, फिर आपको एक दुपट्टा चाहिए होगा। इस तरीके से पेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे मेरा ये दुपट्टा थोड़ा सा हेवी है, पतला होता तो ज्यादा खूबसूरत लगता। तो आप कॉमेंट करके बताना ये आइडियाज कैसा आपको लगा। नेक्स्ट, कुछ इस तरीके का आपको टॉप लेना है, आप देख सकते हो ये पार्टी वियर लुक देगा। तो इस तरह की पतली वाली स्टेप अगर आप सेक्सी देखना चाहते हो एलिगेंट देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का आपको स्टेप वाली आपको क्रॉप टॉप लेना है। ठीक है, मैं यहाँ सिक्वेन वाली टॉप ले रही हूँ, आप देख सकते हो जो बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप है। उसके साथ कुछ इस तरीके का प्लाजो अपीयर करती है कट स्लीट वाली, तो ये एक अलग लुक देता है। पार्टी वियर लुक है जो आप किसी भी पार्टी में पहन सकते हो। और इसके साथ अगर आप और इन्हांस करना चाहती हो वेडिंग के लिए, आप इस ड्रेस को बनाना चाहती हो, तो इसमें कुछ इस तरीके का नेट वाली अपने ड्रेस से मैचिंग जरूर इस तरीके का आप श्रग डाल सकती हैं। आप देख सकती हो ये कलर मेरी प्लाजो के स्ट्रैप से जरूर मिल रहा है ब्राउन कलर, और इसका गोल्डन लेस मेरी टॉप से बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। ये एक परफेक्ट ड्रेस बन गई है पार्टी वेयर के लिए या वेडिंग गेस्ट के लिए, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये ड्रेस मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी ड्रेस आप पहनना चाहोगी। नेक्स्ट, अभी बहुत सारी ट्रेंडिंग चली है लॉन्ग कुर्ती के साथ प्लाजो।
तो ये एक अलग लुक देता है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाता है, इजी हो जाता है ट्रेवल के लिए, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबल होता है। एक ब्रीदिंग टाइप का कपड़ा भी आपको मिल जाता है जो ट्रेवल फ्रेंडली, आप जरूर कहीं जा रहे हो तो इस तरीके का कपड़ा जरूर ट्राई करो, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ आप दुपट्टा पेयर करते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक देता है। और ऐसे इस तरीके के कपड़े और आइडियाज के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट कर देना कॉमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ। तो कुछ इस तरीके के आपके पास वन पीस होगा या तो फिर कोई भी फ्रॉक सूट होगा, उसके साथ आप कुछ इस तरीके का प्लाजो आप पेयर करते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, उससे मैच होता हुआ आप प्लाजो पहनिए। कोई भी प्लाजो किसी भी रंग का मत पहन लीजिएगा, आपके फैब्रिक का जो पैटर्न है या कलर है उससे मिलता जुलता ही कोई भी प्लाजो आप ट्राई कीजिएगा किसी भी कपड़े के साथ। वैसे मेरा एक येलो वाला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बट ओनली मैं वहां पे आइडियाज आपको दे रही थी। आप कुछ इस तरीके के आइडियाज लेके आप भी, आपके पास अगर कोई कपड़े हैं स्टाइलिश तो उससे आप पेयर करके एक खूबसूरत सा ड्रेस बना सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप फ्रॉक के सूट के नीचे या वन पीस के नीचे प्लाजो ट्राई करती हैं तो आपका फ्रॉक का जो है ना एकदम वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक तो आपकी फ्रॉक में लगता है बहुत ज्यादा फ्लेयर है जो बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर मेरी तरह आपकी वन पीस सामने से थोड़ा सा ये छोटा है तो ये लुक देख रहे हैं बहुत ही अलग दे रहा है, तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वन पीस का और प्लाजो का ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।